नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। बड़ी खबर है, राम रहीम दूसरी बार जेल से रिहा हो गया है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमित राम रहीम पैरोल पर रिहा हुआ है। बता दें, रोहतक जेल से उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंचे हैं। अभी राम रहीम को शुक्रवार सुबह 6:30 बजे रोहतक जेल से कड़ी सुरक्षा निगरानी में बागपत ले जाया जा चुका है। हनीप्रीत और चरणजीत रोहतक जेल से राम रहीम को लेकर साथ में गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम बागपत में स्थित आश्रम में रहेगा। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 7 दिन की पैरोल दी गई है। राम रहीम पर आरोप था 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और 2 हत्याओं का दोषी गुरमित सिंह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम इस बार दूसरी बार जेल से बाहर आया है। सीबीआई की अदालत में पिछले वर्ष अक्टूबर माह में मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमित राम रहीम सिंह और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साल 2017 में डेरा प्रमुख की अपनी दोषियों के साथ रेप के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल राम रहीम पैरोल पर रिहा हुआ है और कड़ी सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश स्थित बागपत पहुंचा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।